मुसीबत से तय होती है जीत और हार। अपना वोट तुम ना करो बेकार, जन जन की यही पुकार, वोट दो तुम अब की बार। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इस वक्त हमारे साथ है इनोवेशन फॉर चेंज की टीम, जो पिछले कई समय से नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को वोट देने के लिए अपील कर रही है, जागरूक कर रही है। कैंपेन है जो नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। एक हमारा जो मोटो है से नो टू अब्यूज़ इन उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारे दो स्टेप हम लोगों ने किया है, जिसमें 3 फरवरी को लगातार हम लोगों ने मतदाता जागरूकता पे 5 घंटे नुक्कड़ नाटक किया था, और उसके बाद हम लोगों ने 9 फरवरी को हम लोगों ने लगातार एक दिन में 132 नुक्कड़ नाटक किया था मतदाता जागरूकता पे। हम टीम इनोवेशन फॉर चेंज आज मौजूद है आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक देखे। साथियों, आज का विषय है मतदाता जागरूकता। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत आज हम आप सभी को दिखाएंगे जाति और धर्म के आधार पर नहीं करेंगे वोट। युवा सोच। खुशी है कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं एक करेक्ट कैंडिडेट चूज कर सकूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चूज किया जाए, और इसलिए मैं अपने पापा की सलाह जरूर लेना चाहूंगी कि आखिर वो क्या कहते हैं। पापा, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चूज किया जाए। देखो, एक बात मैं तुमको बता दूँ, शुरू से ही हम लोग हिंदू रहे हैं, हमेशा से हम लोगों का हिंदू धर्म रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अब 18+ हो चुके हो और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए हो कि आप जा कर के वोट दो। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हम लोगों की तरह, अपने पेरेंट्स की तरह आगे बढ़ कर के एक हिंदू कैंडिडेट को ही वोट दें, तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। मेरे पापा कहते हैं कि हम एक हिंदू समाज के हैं तो हमें एक हिंदू को वोट करना चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मेरे ही जैसे पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आखिर उनसे भी तो पूछ लें कि वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड। हेलो। हम लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चूज किया जाए। हमारा भी वोटर कार्ड आया है और हमें भी पहली बार वोट करना है। हमारे पापा बोलते हैं कि हम लोग एक मुस्लिम हैं, तो हमें एक मुसलमान को वोट देना चाहिए। और हमारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। हर समय जाति और धर्म क्यों आता है बीच में? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि वो एक मुसलमान है तो मुझे भी एक मुसलमान कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। क्या जाति और धर्म ही सब कुछ है? मैं अपने टीचर जो हमें कभी गलत सलाह नहीं देते, आखिर उनसे भी तो पूछ लें कि वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो मिस्टर। सर, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चूज किया जाए। सुन पुत्र, तू एक सिख कॉलेज में पढ़ती है और एक सरदार सभी की मदद करता है, सबसे आगे हाथ सरदार का ही आता है मदद के टाइम, तो तुम भी एक सिख को ही वोट दो। Confusion. मेरे पापा ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ क्या वो हिंदू समाज का है कि नहीं, या मेरे फ्रेंड्स जो कि मेरे दोस्त हैं, कभी मेरे पापा ने ये तो नहीं पूछा कि क्या वो हिंदू है कि नहीं। तो फिर जब एक कैंडिडेट चूज करने पे आते हैं तो ये धर्म क्यों आता है? मेरे पापा ने जो खुद मेरा एडमिशन म्यूजिक कॉलेज में कराया है, आखिर उनसे भी तो पूछ लें कि मेरे म्यूजिक टीचर क्या कहना चाहेंगे। Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. How are you? Sir, I'm fine.
सर, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चूज किया जाए। लिसन माई चाइल्ड, तुम कंफ्यूज क्यों हो? हम लोग क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन बहुत ही ईमानदार होते हैं और क्रिश्चियन क्रिश्चियन को ही वोट देते हैं, तो तुम भी एक क्रिश्चियन को ही वोट देना, ठीक है? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, मेरे पापा कहते हैं हम हिंदू समाज के हैं तो हमें एक हिंदू को वोट करना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स जो कि मुसलमान है वो कहते हैं कि तुम भी मुसलमान को वोट दो। मेरे टीचर जो मुझे कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि तुम सरदार सिख को वोट दो। और मेरे म्यूजिक टीचर वो कहते हैं कि क्रिश्चियन ईमानदार होते हैं तो तुम भी एक क्रिश्चियन को वोट दो। ये बेड़िया नहीं है, हम एक युवा सोच है। हमें धर्म और जाति के आधार पर किसी को वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाति और धर्म के आधार पर नहीं करेंगे वोट। युवा सोच, 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 युवा सोच। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो भाई देखा आपने कि किस तरह से इनोवेशन फॉर चेंज की टीम ने जागरूक किया कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी जाति और धर्म के आधार पर वोट ना दें। आपका एक वोट आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपकी आवाज है, तो अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाएं और इस बार वोट जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शाही के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ।